अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है एक आई कैची मेटा टाइटल लिख सकते हैं। वीडियो पूरी देखेंगे क्योंकि वीडियो के मिड में मैं आपको एक टिप दूंगा जिसके थ्रू आप अपने CTR को ऑर्गेनिकली जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ChatGPT के थ्रू की हम चेक करते हैं कि वो हमें क्या लिख के प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, अगर आपने अभी तक इसको यूटिलाइज नहीं किया तो यूटिलाइज करें इसको ज़रूर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक कीवर्ड है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कीवर्ड है जी, मैं लिखता हूँ जी प्लीज राइट मी आ क्लिक बेट। आपने लिखना है क्लिक बेट मेटा टाइटल फॉर आपने दो डाले और लिखना है अपना मेन कीवर्ड, हाउ टू वॉश आ बैक पैक बैक पैक, दैट्स इट। जबरदस्त, इसने एक चीज हमें लिख के दी है, देखें, फाइव सरप्राइजिंग टिप्स फॉर वॉशिंग योर बैकपैक। और ये सब थोड़ी चीज ले, हम इसे दोबारा रन करते हैं, एक बार दोबारा रन करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार और फिर से लिखता हूँ प्लीज राइट मी क्लिक बेट ऑन हाउ टू वॉश बैग पैक। सॉरी, हमने टाइटल नहीं, प्लीज राइट मी अ क्लिक बेट मेटा टाइटल, इसको यहाँ से कर लेते हैं और इसको हम लोग प्लीज राइट मी अ क्लिक बेट मेटा टाइटल। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इसने मैं थोड़ा सा लंबा लिख के दिया, हम इसको क्या करते हैं, हमारा जो प्लीज राइट प्लीज राइट ओनली राइट, हमारे पास होते हैं 55 करेक्टर्स होते हैं, 55 करेक्टर्स। तो अब हम इसे कमांड देते हैं डिस्कवर द अल्टीमेट हैक फॉर योर वॉशिंग बैकपैक। एक हमारे पास ये आ गया, अब हम इसमें दो तीन हमें ये लिख के देगा, हम उसमें से वो चेक करेंगे। एक हमारा आ गया, से निकाल लेते हैं जी नोट पैड और फिर मैं आपको टिप पे बताता हूँ कि आप किस तरह। हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब हम इसे दोबारा रन करते हैं, ठीक है, रीजनरेट हम करते हैं इसको। रेवोल्यूशनरी हैक वॉशर विद इन 5 मिनट फ्लैट, जबरदस्त कॉपी। अब हम एक और चीज भी कर सकते हैं, अगर आपने SEO का रिलेटेड करना है ना, इसमें लिखें आप यहाँ पे डालें जाए एंड प्लीज इंक्लूड एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, आप ये डालें। अब हम चेक करते हैं डिस्कवर द सीक्रेट टू स्पार्किंग क्लीन बैक विद जस्ट 5 मिनट, इसने मैं वही डाल के दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है, हमारा मेन कीवर्ड आ रहा है क्लीन बैक पैक, ठीक है, ये भी हम चेक करते हैं। फिर हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम फिर रीजनरेट करते हैं, न्यू ट्रिक वॉश योर बैक पैक विद इन 5 स्टेप्स, फिर हम रीजनरेट करते हैं डिस्कवर द अल्टीमेट गाइड। अच्छा, अब हमारे पास तीन आ गए, ठीक है, हम चेक करते हैं फिर एक और बार, अगर मैं ये लिख के देता है डिस्कवर द सरप्राइजिंग ट्रिक टू, अगर हम इस 55 को हटाते हैं फिर चेक करते हैं इसको हटा दें। अब यू वॉन्ट बिलीव सिंपल स्टेप ब्रांड न्यू, एक और हम चेक करते हैं इसी में, अच्छा ये हमारे पास एक चीज आई है, यू वॉन्ट बिलीव हाउ इजी इट इज, इसको भी हमें अभी नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है, तीन हमारे पास आई है मेन मेटा टाइटल, डिस्कवर द अल्टीमेट हैक फॉर वॉशिंग योर बैकपैक, रेवोल्यूशनरी हैक वॉश योर बैक पैक इन 5 मिनट्स फ्लैट, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा है, इसी के आगे अगर आप लिख देना
यू वॉन्ट बिलीव हाउ इजी इट इज इसी के आगे। और ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कितने का बना है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं वर्ड काउंट। तो 55 करेक्टर्स का मेरे ख्याल में होता है मेटा टाइटल, तो उसको ही हम डिजाइन में रखेंगे। तो आपको अगर चैनल से कोई भी या वीडियो से कोई भी आपको वैल्यू मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी भी कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है रिलेटेड SEO, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये हमने हटा दिया, अब हम इसको यहाँ पर डाल दें। ठीक है, ऐसे आपने कॉपी करना है, यहाँ पर डाल दें। ये 92 करेक्टर ज़्यादा जा रहा है, अब हम इसको और निकाल दें, उसमें अभी भी ज़्यादा है। वॉश योर बैग पैक इन 5 मिनट्स फ्लैट, यू वॉन्ट बिलीव हाउ ईजी इट इज। मैं कोर वाइज को यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, इसको स्पिन करते हैं। यू वॉन्ट बिलीव अमेजिंग रिजल्ट फ्रॉम स्टेप्स ऑन हाउ टू वॉश योर बैक पैक। को पार करते हैं, मैं यहाँ से टोटल एक छोटी सी लाइन चाहिए। ठीक है, हाउ टू वॉश अ बैक पैक लाइक अ प्रो, वॉन्ट बिलीव द सरप्राइजिंग ट्रिक। और बच्चे 10 सरप्राइजिंग टिप टू वॉश बैग एंड लीव इट स्पार्क। और बार हम चेक करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। अभी हमारे पास आ रहे वॉश योर बैग पैक, अगर ये हम हटाते हैं तो इसके कितना होता है। ठीक है, ये 37 का बनता है। अब हम चेक करते हैं इसमें से अगर कोई जस्ट 5 स्टेप्स पर हम सिर्फ ये लगाते हैं, हाउ इजी इट इज। हाँ ज़बरदस्त, अब ये हमारा मेटा टाइटल बन गया। ठीक है, अब मेटा टाइटल में आपने एक चीज़ मैंने आपको मैंने बतानी थी, वो ये कि जब भी आप मेटा टाइटल लिखते हैं ना, उसमें आपका एक वर्ड हमेशा सॉरी एक नंबर आपने डालना है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, और वो नंबर होना चाहिए ऑड। ठीक है, 3, 5, 7 इस तरह का नंबर होना चाहिए। ठीक है, कभी भी, क्योंकि ये एक जो है ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। ठीक है, उसी के ऊपर ही, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है काफ़ी जगह काफ़ी ब्लॉग से। ठीक है, और ये खुद ही मैंने चीज़ आजमाई है और CTR इंक्रीज़ की है साइट्स के। ठीक है, कि जब भी आप ना यहाँ पे 5 आ गया आपका, आ गया 7 आ गया आपका, 9 आ गया इस तरह का कोई आ गया, तो आपका CTR ऑटोमेटिकली ना इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर आपका CTR इंक्रीज़ होगा तो आपकी पोजीशन जो है ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपकी आपका CTR अच्छा है ना, तो आप शायद 5th स्पॉट से पहले दूसरे स्पॉट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका CTR अच्छा है तो आप वाकई जो है टॉप के आने के ना आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी SEO के रिलेटेड आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।